गाइस सबसे पहले आपको बताइए भान ब्लॉगिंग में शामिल आज हम आए हुए हैं कोडली मंगला एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरियाली है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीजें पाई जाती हैं जैसे ग्रीनरी बहुत ज्यादा पाई जाती है। मैं अपने कैमरामैन ने आपको दिखाई भी होगी और आपको दोबारा दिखाएंगे और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जाना जाता है। और अब कैमरामैन कहेंगे कि हमारे साथ आगे आए और आगे का व्यू दिखाए। सो गाइस हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये व्यू देख रहे हैं यहाँ का। अब हम आगे जाने वाले देखते हैं हमारे साथ अब कौन कौन सा लोग मौजूद है यहाँ के इलाके। सो गाइस अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम यहाँ के कुछ लोगों से सवाल जवाब करेंगे और हमारे साथ मौजूद है एज मिर्जा आसिफ भाई। मुझे यहाँ पे तकरीबन 2 साल हो गए। ये इलाका बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ। और इस इलाके की मेरी नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ पे हर सीजन का फल होता है। जैसे आजकल ये लेमन है, अभी मैंने टेस्ट किया और मैं अपना डायलॉग में कहूँगा मजे आ रहा है, बहुत ज्यादा मजे का है। सो गाइस मिर्जा आसिफ बेग हमारे साथ थे और अब हमने उनसे बहुत से सवाल किए और अपना एक डायलॉग भी सुनाया, मजा आ रहा है। सो गाइस ये देखिए आज यूट्यूब का छोटा सा दरख्त हमारे पास जिसकी अभी पिंडकारी की गई है जो कि आगे तैयार होगा कि गर्मियों में ये भी हम आपको ट्यूबवेल की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके लोगों ने पहले इधर काफी जंगल था, बड़ा मजे का सीन था, ग्रीनरी थी काफी, अब तो कोई चीज ही नहीं है। अब बस लेमन लोग लगा रहे हैं, उनका भी सीजन नहीं है, वरना इधर हर वो तरबूज लगे होते थे, खरबूजे लगे होते थे, उसके अलावा वो केलों के दरख्त थे, फिर वो आम जो है मैंगोन के दरख्त थे, माल्टों के दरख्त थे, वो बेर नहीं बेर का पता है आपको, वो बेर का एक दरख्त है वो वाला, और इसके अलावा जामनू भी हैं और मतलब काफ़ी सारे पौधे हैं इधर। हम छोटे होते नहाते भी रहे हैं, ये ट्यूबवेल है मतलब हर चीज ही प्यारी है इधर की, गाँव में सब कुछ ही प्यारा होता है जी। और साहूहान आपको यहाँ पे आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज तो ये है कि हमारी नानों का गाँव है और सबसे अच्छी तो सब नानों का गाँव, तो फिर आपको पता है वो कहते ना नानी का घर सारे लिए अच्छा होता है, इसलिए गाँव बड़ा अच्छा लगता है। ओके सो आप क्या यहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं या आप यहाँ से सोचना क्या? वैसे तो रहता नहीं हूँ, वाला और जॉब करता हूँ और इधर कभी कभी छुट्टियों में चक्कर लगता है, तो बस ऐसे ही जब दिल करे आ जाते हैं। सो गाइस माशा थे उसामा खान, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। ठीक है उसामा खान आपको शुक्रिया, आपने इस टाइम को हमारे साथ बांटने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस माशा जहाँ के एक और ऐसी मौजूद है जिनका नाम है मिर्जा अली बेग। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा अली बेग। वालेकुम अस्सलाम, तैयब खान कैसे हैं आप? ठीक ठाक आपका क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है फर्स्ट ऑफ ऑल के तैयब ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और तैयब खान हमारे पास इस वक्त सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड बॉय है YouTube पे, और इसको प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स लाजमी करें ताकि ये मजीद बच्चा इंकरेज हो और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए। तो इमान आपको कैसा लग रहा है गांव में विजिट करके और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? जी मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा विजिट लग रहा है और मैं आपके ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा जो देख रही है अपने कि ये गाँव एक बहुत ही हरियाली है, यहाँ पे बहुत ही हरियाली है, यहाँ पे बहुत ही मजा आता है इस हरियाली को देख कर, दिलो दिमाग हो जाता है और सुशील गाली से थोड़ी सी छूट मिलती है और यहाँ पे इतनी हरियाली है कि बंदे का दिल नहीं करता यहाँ पे छोड़ के जाए। और यहाँ पे एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलता है। और आज तक हम अपने ऑडियंस को देना चाहूँगा कि दरख्तों को ना काटें क्योंकि ये कम अज़ कम रोज डेली 5 से 6 लोगों को ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं, ये दरख्त अगर ना होंगे तो हमारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गांव के लोग सेहतमंद और ताज़ा दम रहते हैं और शहरों के लोग मायूस और उदास और सुखस्त रहते हैं। तो तैयब इन द लास्ट आपको गांव की क्या अच्छी चीज़ लगती है, कौन सा फल फ्रूट आपका फेवरेट है? मेरा फल फ्रूट जो पाया जाता है वो तो ऑब्वियसली ऑरेंज ही मेरा फेवरेट है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन नहीं
अपने एक अगले व्लॉग के साथ। सो अल्लाह रहमान, ये इस लाइन से पहले मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि ये व्यू आपको एक फिर दिखा ताकि आपकी आँखें पुरानी जाते तक हो जाए।